प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, रियल टाइम सोर्स एपोर्समेंट स्टडी की सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च करेंगे सीएम, वायु प्रदूषण के कारणों की जान पाएंगे वजह। एक्शन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पटपड़गंज गांव में 110 लाख लीटर क्षमता के यूजीआर बूस्टर पंपिंग स्टेशन का शुभारंभ, बोले जिन लोगों के पानी के बिल आए गलत वो नहीं करे जमा। भारत जोड़ो यात्रा का आज होगा समापन, श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में होगी बड़ी रैली, प्रमुख विपक्षी दलों के नेता रहेंगे मौजूद। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव दास की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, एएसआई ने सीने में मारी थी गोली, आरोपी एएसआई हिरासत में। भारतीय महिला टीम ने जीता अंडर 19 T20 विश्व कप, फाइनल में इंग्लैंड को हराया, भारत को सिर्फ 69 रनों का मिला था लक्ष्य, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। विजय चौक पर हुई बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रहे मौजूद, कार्यक्रम में गूंजी कई धुनें। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी, हर बूंद में शुद्धता, मिलावट रहित रोजलाना कच्ची घानी ग्रेड वन शुद्ध सरसों तेल के स्वाद की आदत डाल लीजिए, पतंजलि हनी शुद्धता के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा, और सेंट्रल पार्क गुरुग्राम खुशियों का नया पता। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, उससे पहले आज एक अहम बैठकों का दिन है। सरकार ने आज सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट के साथ ही बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं मोदी सरकार ने एनडीए के सहयोगी दलों की भी अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आज रियल टाइम सोर्स एपोर्समेंट स्टडी की सुपर साइट और मोबाइल वैन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लॉन्च करेंगे। यह सुपर साइट दिल्ली के राउस एवेन्यू के सर्वोदय बाल विद्यालय में स्थापित किया गया है। रियल टाइम सोर्स एपोर्समेंट स्टडी दिल्ली में किसी भी जगह पर वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने में मदद करेगी। यह परियोजना दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के सहयोग से शुरू किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इस तरह की परियोजना से दिल्ली में वायु प्रदूषण का वास्तविक समय पर स्रोत की पहचान करने वाला देश का पहला शहर बनेगा। इस स्टडी के परिणाम के आधार पर दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्रोत को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी। प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार का एक्शन जारी है, ऐसे में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बड़ी सौगात सौंपेंगे और रियल टाइम सोर्स एपोर्समेंट स्टडी के सुपर साइट और मोबाइल वैन का उद्घाटन करेंगे। इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों का पता चलेगा। यह सुपर साइट दिल्ली के राउस एवेन्यू के सर्वोदय बाल विद्यालय में स्थापित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटपड़गंज को बड़ी सौगात सौंपी है। सीएम ने यहां पर 110 लाख लीटर की क्षमता वाला भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। 32 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूजीआर शुरू होने पर सभी को बधाई दी है और कहा है कि अब तक पानी की दिक्कत थी, प्रेशर कम रहता था। केजरीवाल ने कहा कि इससे 1 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। केजरीवाल ने कहा कि जितनी तेजी से आबादी बढ़ी उतनी तेजी से दिल्ली में काम नहीं हुआ। हालांकि हमारी सरकार आने के बाद 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारका, बवाना और ओखला बनाए गए हैं। इस दौरान केजरीवाल ने पानी के बिल की समस्या का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली के लोग पानी के बिल की समस्या से जूझ रहे हैं, चिंता न करें, हम एक योजना लेकर आ रहे हैं जिससे बिल ठीक किए जाएंगे।
110 लाख लीटर का यूजीआर बनके तैयार हो गया, आज से ये चालू किया जा रहा है। इस इलाके में लोगों को काफी कम पानी मिलता था, जैसा अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, टेल एंड पे था ये पूरा एरिया, पानी कम मिलता था, कम प्रेशर पे मिलता था, काफी दिक्कत होती थी पानी की। अब इस एरिया के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी, अब ये टेल एंड पे नहीं, अब ये आप एकदम मेन एंड पे मेन हो, आप लोग सीधे पानी आपके घरों में आया करेगा, और पानी बहुत जरूरी होता है, तो आपकी बहुत बड़ी समस्या का आज से समाधान हो जाएगा। पानी के बिलों की बहुत समस्या आ रही है इन दिनों में, मैंने सुना है पिछले कुछ महीनों के अंदर जल बोर्ड के अंदर कुछ समस्या आई है मीटर रीडिंग की और पानी के बिलों को बनाने की, जिसकी वजह से पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। आप लोग चिंता मत करना, जिन जिन लोगों को लगता है पानी का बिल ठीक आया वो पानी का बिल भर दे, जिनको लगता है पानी का बिल ठीक नहीं आया वो थोड़ा इंतजार कर ले, हम इसको ठीक कर रहे हैं, सारे पानी के बिल ठीक करेंगे, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। जिसको लगता है पानी का बिल गड़बड़ आया अभी ना भरे चाहे, इसको ठीक कर रहे हैं, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 1300 एमजीडी पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। पहले 80 लाख के लिए जितनी पॉपुलेशन के लिए पानी दिया था उतना ही अगर रखा है तो दिल्ली का काम कैसे चलेगा? तो एक तो ये कि दिल्ली को यमुना जी से गंगा जी से और पानी मिलना चाहिए, आसपास से कहीं से भी। हमारी केंद्र सरकार से अपील है, दिल्ली तो सबकी है, देश की राजधानी है, केवल दिल्ली वालों की थोड़ी है, पूरे देश की दिल्ली है, तो दिल्ली को कम से कम पूरे पानी मुहैया कराई जाए, कराया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उस टाइम आप 800 देते थे तो अब हमको 2000 एमजीडी पानी दो, 2500 एमजीडी पानी दो। आज हमने अपने स्तर पे पानी को बढ़ा के 990 एमजीडी पानी कर लिया, हमको आप 1300 एमजीडी पानी दे दो, उसमें गुजारा कर लेंगे। 1300 एमजीडी पानी आ गया तो मैं 24 घंटे पानी आपके घर में पहुंचा दूंगा, हम व्यवस्था कर देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए पवित्र चादर पेश की। मुख्यमंत्री ने यह चादर 811वें वार्षिक उर्स के मौके पर भेजी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने देश में आपसी भाईचारे, अमन चैन और देश की तरक्की की कामना की है। सीएम ने अपने संदेश में कहा है कि देश भर में सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा मिलना चाहिए, इससे देश मजबूत होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने यही संदेश दिया। उन्होंने कामना की है कि दिल्ली के साथ पूरे भारत में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान हो, सरकारें लोगों के लिए काम करें और लोगों की जिंदगी को आसान बनाएं। बीते दिनों खराब मौसम की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गोहाना दौरा रद्द हो गया। हालांकि अमित शाह ने फोन के जरिए हरियाणा की जनता को संबोधित किया और 2024 चुनाव का शंखनाद किया है। सोनीपत के गोहाना में जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और पारदर्शी तरीके से लोगों की योजनाओं को का लाभ मिल रहा है, बगैर भ्रष्टाचार नौकरी दी गई, नौकरियों में पर्ची खर्ची का खेल खत्म किया। और बारिश होने की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने फोन के जरिए लोगों को संदेश जरूर दिया कि 2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आने वाले दिनों में आज हमने जो गोहाना में रैली रखी है उसका मकसद है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। ने जिस उत्साह से सरकार बनाई थी, जो वायदे जनता से किए थे, जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों के आधार पर हम लगातार 8 साल से काम कर रहे हैं। हमने हरियाणा में भी आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भाइयों बहनों, इस प्रदेश में एक भय का,
एक भ्रष्टाचार का जिस प्रकार का वातावरण 2014 से पहले था, हमने उसको मिटाया, दूर किया है। और निश्चित रूप से जैसे देश आगे बढ़ा है, हम भी कदम से कदम मिला करके हरियाणा के नाते से भी आगे बढ़े हैं। हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं, चाहे वो व्यवस्था परिवर्तन में हर गरीब आदमी की सेवा करने का हमारा काम हो, हमने लोगों की पहचान की। भाइयों बहनों, इस काल में हमने सुशासन को अपना संकल्प बनाया कि हम सुशासन से अच्छा शासन देकर और लोगों की सेवा करेंगे, उस प्रकार का लगातार काम कर रहे हैं। हमने नौकरियां भी बिना भ्रष्टाचार के, बिना पर्ची खर्ची के ये दी हैं। लोगों के ट्रांसफर जो हमारे कर्मचारी, उनके ट्रांसफर भी बिना भ्रष्टाचार के हमने कराए हैं। एक प्रकार का कांग्रेस के सरकार में कहा जाता था कि सरकार की एक इंडस्ट्री चलती है, उसको कहते हैं बीबीसी की इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां, सीएलयू, हमने वो सब बंद कर दिया। और ऐसे कैसे लोगों को एक स्वच्छ प्रशासन मिले, घर बैठे सरकारी सेवाएं, योजनाएं ये कैसे दी जाएं, इसके अनूठे प्रयोग हमने किए। हमारी सराहना केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने तो की है, बाकी सब लोगों ने भी दूसरे प्रदेशों ने भी हमारी सहायता की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में विकास परियोजनाओं का जायजा लिया, मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। जल निकासी से जुड़ी नई परियोजना मरम्मत के काम के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। बरसाती जल निकासी के लिए गुरु नानकपुरा में डिस्पोजल प्रोजेक्ट के निर्माण पर 26 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च होगा, जिसका सीएम ने जायजा लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो जाएगा। करीब 14 राज्यों से गुजरी इस यात्रा से राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया है। इस दौरान राहुल ने कल लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ ही मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने गृहमंत्री अमित शाह से पूछा कि अगर कश्मीर में उनकी सरकार ने इतना अच्छा माहौल बना दिया तो खुद कश्मीर के लाल चौक तक पैदल यात्रा करके दिखाएं। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तत्काल भंग करते हुए इसके पुनर्गठन की मांग की है। साथ ही कहा कि वेटनरी सर्जन की परीक्षा नए सिरे से होनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने गठबंधन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि एचपीएससी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल एचपीएससी की ओर से आयोजित पशु चिकित्सा सर्जन पद की परीक्षा में 100 में से 28 सवालों के जवाब गलत मिलने का दावा किया जा रहा है। वही परीक्षार्थी अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। एक सवाल पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपये फी अदा करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राज्यसभा सांसद संदीप पाठक गुरुग्राम पहुंचे। उनके साथ हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता और सीनियर नेता अनुराग ढांडा मौजूद थे। संदीप पाठक ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा का हर चुनाव लड़ेगी। गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि जितनी ताकत गुजरात और पंजाब में लड़ने के लिए लगाई थी, उससे 10 गुना शक्ति हरियाणा के चुनाव में लगाई जाएगी। आपके प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि जल्द ही संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। 24 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हरियाणा में आप की सरकार बनने का दावा किया है। यहाँ पर वॉलंटियर की मीटिंग थी, इस तरीके से चार जगह पे होनी है, अलग अलग जोन पे। और बेसिक आइडिया ये है कि आपने देखा होगा कि संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है। पुनर्गठित करने के दो मुख्य कारण थे। एक तो परिवार बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, सबको उचित स्थान देना है। और दूसरा, आने वाले समय में जो इलेक्शन है उस पर पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, तो चुनाव के हिसाब से भी अपने आप को तैयार करने के लिए हमने एक तरीके से अपना शुभारंभ कर दिया है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुए। दरअसल अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया जाना था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सीएम पर निशाना भी साधा।
गांधी जी के प्रति जो मुख्यमंत्री ने अपशब्द कहे, उनको जमूरा कहा, जोकर कहा, उसके प्रति हमारे रोष है। कांग्रेसजनों में उस रोष को जताने के लिए हम सारे एकत्र हुए हैं। हमने कहा था मैं मुख्यमंत्री बोलते खेद जताए, खेद नहीं जताया, लेकिन ये ध्यान रखे प्रशासन ने जोर जोर से हमारे को रोक को लिया, लेकिन हमारा जोश कम नहीं हुआ। ये कब तक रोकेंगे? ये मनोहरलाल खट्टर जी के कफन में आखिरी कील है, ये कब तक हमारे को रोक रखेंगे? ट्रेन भी यही है, स्टेशन भी यही है, हम भी यही है और मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर भी यही है। आज नहीं तो कल नहीं परसों अगला जो हमारा एजिटेशन होगा उसमें प्रशासन हमारा रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस ने रेलवे को प्रदर्शन का कार्यक्रम था, ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पे इकट्ठे हुए थे और यहीं पे इनको रोक लिया गया, रेलवे स्टेशन पर नहीं जाने दिया कानून व्यवस्था को देखते हुए। यहीं पर प्रदर्शन करते नजर इनको रोक लिया गया, बोली यहीं पर नारेबाजी कर रहे हैं, अब चले गए तो यहीं पर रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया जाएगा इनको, नहीं आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सिरसा में किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें पंजाब और हरियाणा से कई किसान नेताओं ने हिस्सा लिया और सरकार को चेतावनी देते हुए सड़क को जाम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान नेता की रिहाई नहीं होती है तब तक किसान हरियाणा में 3 जगह और पंजाब में 2 जगह रोड जाम करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अभिमन्यु कोहाड़ को रिहा नहीं करती तो कल हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, केवल अभी 2 स्टेटों चुनी हमने, इन 2 स्टेटों में मेन जो नेशनल हाईवे है वो जाम किए जाएंगे। उसकी हर तरह की जो लोगों का नुकसान होगा, जो भी होगा, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हरियाणा में पंच और सरपंचों का आंदोलन जारी है। फतेहाबाद के भट्टू इलाके में उन्होंने सड़क को जाम किया है और 20 सड़क पर बैठ गए। हालांकि इससे गाड़ी चालकों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी। इनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारी कड़े शब्दों में विनम्रता भी करता हूँ इस सरकार की कि इस सरकार ने जो गांव के जो मुख्यमंत्री है, गांव की जो ग्राम पंचायतें हैं, उनके सरपंचों को रोड पे बिठाने का काम किया है। अभी तक किसी भी सरकार के आदमी ने किसी भी सरपंच से ये हाल नहीं पूछा है कि भी आपकी मांग क्या है। तो और साथ ही साथ हम पूरी एसोसिएशन के द्वारा हम ये विरोध भी करते हैं, चाहे कोई भी पक्ष का विधायक है, चाहे प्रतिपक्ष का विधायक है, उसको किसी भी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। दिल्ली के नजफगढ़ में 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। शाम करीब 7:30 बजे यह हादसा हुआ है टुड़ा मंडी के पास। जैसे ही हादसे की खबर मिली तत्काल राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, एमसीडी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे और राहत का काम शुरू किया गया। हालांकि बिल्डिंग में कोई फंसा तो नहीं है, इसकी जांच हो रही है। गाजियाबाद पुलिस ने एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। 3 साल पहले अपने पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या की। वारदात 22 जनवरी की है जब मुरादनगर के रहने वाले कृष्णा त्यागी लापता हुए। पुलिस के मुताबिक गंग नहर के किनारे उसके जूते मिले। पुलिस ने मोनू, सुमित और उसके साथी पुनित को जब हिरासत में लिया तो वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक तीनों ने गला दबाकर कृष्णा त्यागी की हत्या की और शव को बोरे में रखकर नहर में फेंक दिया। बोरे में ईंट भी रख दी ताकि शव नहर के ऊपर न आए। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये पुरानी रंजिश के चलते हुई थी। इसमें करीब 3 साल पहले जिसकी हत्या हुई है, उसने जिन्होंने हत्या की है उसके पिताजी से झगड़ा हुआ था, उसके कारण के बीच रंजिश चल रही थी और उसी कोई रंजिश के तहत उन्होंने एक प्लान बना के काफ़ी प्लान बना के वर्कआउट किया और उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसकी सहेली पर 4 साल के बेटे की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले अरुण की शादी कुछ साल पहले पायल नाम की महिला से हुई। 2020 से दोनों घरेलू विवाद के कारण अलग अलग रह रहे थे और तलाक के लिए कोर्ट में केस चल रहा था। पिता का आरोप है कि बेटे की पिटाई के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई जिससे उसकी मौत हुई है। उन्होंने पत्नी पायल और उसकी सहेली ज्योति के साथ जॉनी नाम के एक शख्स पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया है।
इंसान के गला दबाने के, मारने के और चोट लगने के। बाद में पता चला कि उसको जो उसकी जो मौत हुई है मार पिटाई और लीवर फटने की वजह से। लीवर फटने का कारण बताया गया कोई चीज काफी तेज लगने की वजह से उसका लीवर फट गया। जब माँ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई किसी के बच्चे को, मोटिव उनके पास है ही नहीं मारने का। सर मोटिव यही है कि तलाक की डिमांड थी इनकी पैसों की, कि मुझे पैसे चाहिए इतने, 14 लाख रुपए कभी 15 लाख रुपए, और ये तीनों की मिली वक्त थी इनकी। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हाई प्रोफाइल 23 मामलों में आरोपी महिला को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और उसके पति पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के साथ सीबीआई और ईडी ने कई मामले दर्ज किए थे। इसके बाद कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित किया। गुरुग्राम मानेसर 1500 करोड़ रुपए जमीन घोटाले में इसका नाम आया था। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई से जालसाज सोना बंसल को गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका पति अतुल बंसल वहां नहीं मिला। ये दोनों दिल्ली के रहने वाले थे, जो नकली और जाली दस्तावेज के आधार पर सुलोचना और अरुण गुप्ता की पहचान के साथ मुंबई में रह रहे थे। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दिनों तक बाहर रह नहीं सकता। ऐसा एक मामला आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुलझाया है। 1500 करोड़ रुपए के गबन के मामले में सोना बंसल और उसके पति जो कि फरार चल रहे थे, उनको मुंबई की एक हाई एंड सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया गया है। सोना बंसल की गिरफ्तारी तो हो गई, मगर उनके पति अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनको पुलिस जल्द ही ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। राजकुमार भाटी, जी मीडिया, दिल्ली। गाजियाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रॉन्ग साइड जा रही स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी। स्कूटी सवार एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। दोनों महिलाओं ने हेलमेट नहीं पहना था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है। नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की घटना है। संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों महिलाएं स्कूटी से रॉन्ग साइड से आ रही थी तथा इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। महिलाओं के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा कार चालक युवक जिसका की नाम बबलू त्यागी है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है। भारत ने पहली बार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता है। भारतीय अंडर 19 महिला टीम के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। भारत के खिलाफ अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में मैच में इंग्लैंड की टीम महज 68 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने 14 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। भारत के लिए अर्चना देवी, पार्श्वी चोपड़ा और टिटास साधु ने 2-2 विकेट लिए हैं। 1-1 विकेट मन्नत कश्यप, सोनम यादव और शेफाली वर्मा को मिला। और ये चार तस्वीरें देखिए, 1983 की पहली तस्वीर है जो कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार विश्व कप जीता था। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 का जो पहला विश्व कप हुआ था उस पर भारतीय टीम ने कब्जा किया। उसके 2011 में भारतीय टीम ने 50-50 ओवरों के मैच का विश्व कप जीता और एक लंबा सूखा उन्होंने खत्म किया था। और उसके बाद 2023 में महिला अंडर 19 टीम ने विश्व कप जीता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं।